Colonel Shankar, the Chairman and Managing Director, Alpha Design Technologies, kindly give your words. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी 17 साल पहले सिर्फ 3 आदमी से शुरू किए थे, मैं और दो और अभी जो है 1,200 पीपल है और उसमें जो है 750 इंजीनियर्स है, जो 21 to 29 एज ग्रुप पर है, उसमें 40% लेडीज है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हमने सिर्फ लेते हैं लोअर इनकम और लोअर मिडिल क्लास का जो एम्प्लॉइज है उसको ही ज्यादा जोर पर हमने एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारा जो टर्नओवर आज 500 करोड़ रुपीस है और ऑलमोस्ट 4,400 करोड़ रुपीस ऑर्डर बुक पोजीशन है, मोस्ट ऑफ देम डिफेंस एंड स्पेस का जो एरियाज में। हम जो है कंसिडर करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस एंड एरोस्पेस R&D एंड प्रोडक्शन यूनिट, एंड वी हैव ऑलरेडी सप्लाइड मोर देन 1,000 नंबर्स ऑफ TIFCS फॉर T-72 एंड BMP। नाउ स्पेस का जो तमाम चारों सेगमेंट में हमारा काम है उसी में है जो हमको जो भी प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा। और हमारा 50+ साइंटिस्ट जो है और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस, इसरो का जो फैसिलिटीज है आई साइट, उसमें डॉक्टर कुरी कृष्णन के नेतृत्व में हमको शिवन साहब के साथ हमको मिला हुआ है, उसमें तमाम फैसिलिटीज हमारा इंजीनियर्स को दिया हुआ है। उसमें ऑलरेडी हमने लास्ट 3 ईयर्स में दो मेजर सैटेलाइट बने हुए हैं असेंबली इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक तो 1.4 टन IRNSS-1I जो इंडियन GPS और नेविगेशन सैटेलाइट है, और दूसरा है 3.5 टन GSAT-30 जो 7 महीने के पहले लॉन्च किया था, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वो दोनों जो है हमारा लोग बनवाया है विथ छत्र छाया फ्रॉम ऑफकोर्स इसरो। अभी जो है बनवा रहा है RIASAT-1A, वो भी 4-5 महीने में उसको भी लॉन्च हो जाएगा। और स्मॉल सैटेलाइट सेगमेंट में हमने नया एक प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं और उसके जो है NSIL और थ्रू इसरो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द फ्रेम एज अ स्टैंडर्ड फ्रेम हमको मिल रहा है, उसके लिए फाइनल स्टेजेस में है और तकरीबन 1 महीने में एग्रीमेंट भी हो जाएगा और लोएस्ट कॉस्ट TOT भी हमको मिल जाएगा। एंड हमको ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने के लिए थाईलैंड वगैरह जगह से हमको ऑलरेडी इंक्वायरीज आया हुआ है, उसको भी इंडियन एम्बेसडर उधर से बहुत मदद दे रहे हैं, उसको भी हम आगे बढ़वाएंगे एक्सपोर्ट एरियाज में। देन ऑन द ग्राउंड सेगमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तकरीबन 300+ स्टेशन को हमने अपग्रेड किया हुआ है। डॉक्टर शिवन साहब ने हमको बुलवाया, बताया इसको करेंगे, हम कर लिया है, ऑलरेडी एक पूरा लागू है। अंडमान निकोबार में जो ऑल द गॉड फॉरसेकन प्लेसेस आइलैंड्स एंड ऑल दैट जिसमें लोग भी नहीं जाते हैं, उधर जो है 130 स्टेशन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपने 9 महीने पहले भूटान में आपने इस सार्क सैटेलाइट के लिए एक स्टेशन वगैरह आपने इनॉग्रेशन किया, उसमें जो है साहब ऑल द 140 ग्राउंड स्टेशन हैव बीन डन बाय आवर कंपनी ओवर देयर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन ऑल द सार्क कंट्रीज इंक्लूडिंग इन अफगानिस्तान, एंड उसके लिए अगेन इसरो इज गिविंग ट्रेमेंडस सपोर्ट टू अस। नाउ ऑन द लॉन्चर साइड अगेन वी आर इन दैट इन अ वेरी बिग वे, ऑलरेडी we are doing the strap on booster cone critical items components for both PSLV and GSLV programs, and from Cortas which is a unit in Thiruvananthapuram which we have bought over from there, again critical components we are giving to VSSC, and for PSLV manufacture hamara jo consortium hai, hum aur hamare mein jo invest kiya hua hai Adani Group aur Bharat Electronics aur BEML ek consortium banwa ke kaam kar rahe hain, उसमें ऑलरेडी हमको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और आई एम श्योर वी विल बी एबल टू विन दिस थिंग इन अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म अलॉन्ग विद L&T, HIL कंसोर्टियम एंड अदर कंसोर्टियम्स, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू टेक पार्ट इन द SSLV प्रोग्राम बिकॉज व्हाट एवर फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश फॉर PSLV कैन आल्सो बी यूटिलाइज फॉर SSLV, एंड मोर देन अबाउट 50 नंबर्स आर रिक्वायर्ड, सो वी आर इन करेस्पॉन्डेंस विद बोथ इन स्पेस एंड NSIL, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। On the critical technology side, SAC Ahmedabad has taken a lot of good strides in that, and payloads for small satellites, which go जो SAC Ahmedabad से both electro optics and synthetic aperture radar for making it and engineering it and R&D work to be done jointly, we
we are working together on that. And just to summarize, one request we had from the government of India, sir, and that is for boosting the exports to various countries, particularly in the Middle East, Southeast Asia, and African countries, and also SAARC countries. If you can kindly consider opening the line of credit through Exim Bank for these countries, it will greatly benefit not only that country, but our own industry also, because in that way, the finances and all that can easily be organized. As I told you, Thailand, we are already doing it. It can be expanded to other countries. Sir, industries are getting tremendous support from Dr. Shivan and his team. You know, both his Dr. Somnath in the VSSE, Dr. Kunikrishnan, Dr. Das from SAC Ahmedabad, and other directors of various ISRO labs take personal interest. And as much as possible, they are giving to the Indian industries, which is helping us a lot. And sir, the last the initiative that is taken, both in NSIL and in space, and both of them are headed with very, very open persons like Mr. Narayan and Dr. Uma Maheshwaran, and they're all giving total support to us, and it will be a great success, and it is going to help us a lot in the years to come. Sir, private sector is poised for taking very, very great leap forward, and aapka jo Bharat Sarkar ka Atmanirbhar Bharat mein hum sab bhag hai, aur is saal mein jo hai, jo bhi turnover hamara jo industries ka hai, ye complete iska target complete ho jayega, even though we lost about 3 months. All the industries are not only by ourselves, but our subcontractors and other tier 2, tier 3 are all working overtime to ensure that the targets are met, and also ISRO's targets are met. So thank you very much for giving me this opportunity. Jai Hind.